दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैपिलरिटी के बारे में, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसके एक्सप्रेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कैपिलरिटी की, तो कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज अ फिनोमेना जिसमें कि क्या हो रहा है दोस्तों, राइज और फॉल होता है लिक्विड सरफेस का, किसमें? इन अ स्मॉल ट्यूब में, जो कि रिलेटिव होता है टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ द लिक्विड। वेन द ट्यूब इज़ हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड, द राइज ऑफ द लिक्विड सर्फेस इज नोन एज कैपलरी राइज, वाइल द फॉल ऑफ द लिक्विड सर्फेस इज नोन एज कैपलरी डिप्रेशन। तो दोस्तों, ये जो हमारा एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर या एमएम ऑफ लिक्विड का, वो इसकी वैल्यू डिपेंड्स करती है ऑन द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड पर, डायमीटर ऑफ द ट्यूब की और सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम कंसिडर करें ग्लास ट्यूब जिसका स्मॉल डायमीटर डी है और डिपेंड कर रहा ऑन बोथ एंड्स जो कि इंसर्टेड है इन अ लिक्विड, तो वाटर ऑफ द लिक्विड विल बी राइज द टर्न अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में कि यहाँ पर ये जो डायग्राम ये हमारा शो कर रहा है कि एच जो है वो हाइट है ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, रो हमारा सरफेस टेंशन है लिक्विड का, और थीटा जो है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द ग्लास ट्यूब। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या करते रहे, वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट एच इन द ट्यूब हो जाएगा दोस्तों इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्यूब इंटू एच इंटू रो इंटू जी। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स निकाल लेंगे जो कि सिग्मा इंटू सर्क्यूमफेरेंस इंटू कॉस थीटा। सर्क्यूमफेरेंस यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू डी कॉस थीटा। अब दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जब इक्वल कर लेंगे तो एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैपिलरी के लिए पूछता है फॉर्मूला, तो आप बता दो कि एच की वैल्यू हो जाएगी फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी, फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। अगर यहाँ पर जो कॉस थीटा, अगर यहाँ पर हम बात कर लेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन वाटर और क्लीन ग्लास ट्यूब का, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू यूनिटी वन हो जाएगी, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर सिग्मा अपॉन रो जी डी हो जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट जो कि हमारा एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फॉल। तो यहाँ पे कैपिलरी फॉल की कंडीशन है यानी, तो हम लोग इसको समझेंगे किस तरह से। तो जो ग्लास ट्यूब जो हमारी है वो डिप्ड है किसके अंदर, मरकरी के अंदर। तो जो लेवल ऑफ मरकरी है इधर ट्यूब का वो लोअर देन द जनरल लेवल ऑफ द आउटसाइड लिक्विड का। तो जहाँ पर इस एच जो है हमारा वो हाइट ऑफ डिप्रेशन इन द ट्यूब है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो अराइज जाएगा वो फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी ही होगा, जहाँ पर थीटा जो होगा वो मरकरी और ग्लास ट्यूब का कितना जाएगा, 128 डिग्री हो जाएगा।